नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह रावत। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज जो कविता पढ़ने जा रहा हूं, वो कविता कहीं ना कहीं आज की स्थिति को बखूबी बयां करती है। श्री ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं। प्रस्तुत है कविता। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है। जनाब ये गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। जीवन का आलम गधों के लिए, ये रसिया ये बालम गधों के लिए, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए, ये संसार ये सालम गधों के लिए। पिलाए जा साखी पिलाए जा डांट के, तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मैं दुनिया अब भूलना चाहता हूं, गधों की तरह झूमना चाहता हूं। घोड़ों को मिलती ना ही घास है, घोड़ों को मिलती नहीं घास है, गधे खा रहे च्यवनप्राश हैं। यहां आदमी की कहां कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही तो बनी है। जो गलियों में डोलता वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोलता वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक रहा हूं, मैं क्या कह गया हूं, नशे की पिनक में मैं कहां बह गया हूं। मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, जनाब मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, वो ठर्रा था जो भीतर अटका हुआ था। धन्यवाद।